आप सबका बीए संस्कृत कन्वास कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 26वें श्लोक से आगे प्रारंभ करेंगे। प्रसंग चल रहा था कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने बांधवों को, गुरुजनों को और परिजनों को सामने देखता है तो वह युद्ध करने से मना कर देता है, शोकमग्न हो जाता है। इस स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का उपदेश देते हैं और आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है। उसके आगे वे अर्जुन की कुछ और शंकाओं का निराकरण करते हैं। वे कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वामन्य शेमृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। देखिए अर्थ, अथ च एनम, हे अर्जुन, अथ अगर और यदि, च और अथ यदि, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम नित्य उत्पन्न होने वाली, नित्यम वा मन्य से मृतम या फिर नित्य हमेशा मृतम मरने वाली वा यानी अथवा मन्य से यानी तुम मानते हो, हे अर्जुन अगर तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाली या हमेशा मरने वाली भी अगर मानते हो, तथापि त्वम महाबाहो, हे महाबाहो अर्थात हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तथापि यानी तब भी त्वम यानी तुम्हें, न एवं, न यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, सोचितुम अर्हसि अर्थात शोक करना चाहिए, अर्थात तब भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ च एनम नित्य जातम, एनम एनम या अर्थात इस आत्मा को, अथ यानी और यदि, अथ च और यदि, नित्य जातम नित्य उत्पन्न होने वाली और नित्यम वा मन्य से मृतम और नित्य ही मरने वाली, अर्थात जिस प्रकार से जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है, और यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने वाली और नित्य मरने वाली भी समझते हो, तथापि तुम महाबाहो, तथापि यानी तब भी तुम यानी तुम्हें, महाबाहो अर्थात महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले, हे अर्जुन, न एवं सोचितुम अर्हसि, न यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, सोचितुम यानी सोचने के या शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्हसि इस प्रकार उसके योग्य नहीं हो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो जन्म मरण है यह भी तो निश्चित ही है। अगर तुम आत्मा को भी नित्य जन्मने और मरने वाली समझते हो तब भी तुम्हें इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म और मरण निश्चित है, जो हम अगले श्लोक में देखेंगे। देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मज्ञान को बताते हुए, देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य अर्थात जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, ही क्योंकि ध्रुव यानी निश्चित है, मृत्यु उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे देखिए फिर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च यानी और मृतस्य और जिसकी मृत्यु हुई है,
जन्म ध्रुम, उसका जन्म निश्चित है। अर्थात ऊपर की दोनों लाइन का अर्थ हुआ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात अपरिहार्य अर्थे, इसलिए अपरिहार्य अर्थे अर्थात अनिवार्य विषय में या फिर बिना उपाय वाले विषय में, न त्वम सोचितुम अरहसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्थात तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जिस चीज का या जिस वस्तु का, जिस कार्य का कोई उपाय न हो उसके विषय में मनुष्य को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई शोक नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। अगला श्लोक देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निदनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, देखिए अव्यक्त आदीनि अर्थात आदीनि जन्म से पहले, भूतानि अर्थात सभी प्राणी जो पंच महाभूतों से बने हुए हैं, ऐसे सभी प्राणी आदीनि यानी जन्म से पहले अव्यक्त अर्थात वो अव्यक्त रूप से रहते हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त है, अव्यक्त का अर्थ है अर्थात उत्पन्न होने से पहले किसी भी पदार्थ अथवा प्राणी का स्वरूप नहीं दिखता है, जन्म के पश्चात ही उसकी आकृति बनती है। देखिए आगे, व्यक्त मध्यानि भारत, भारत अर्थात हे अर्जुन, मध्यानि अर्थात जन्म होने पर व्यक्त अर्थात वो व्यक्त दशा में आ जाते हैं अर्थात उनकी आकृति बन जाती है और उन्हें संसार देखता है। तीसरी लाइन, अव्यक्त निदनान्य एव अर्थात निधन हो जाने पर, मरने के पश्चात अव्यक्त, फिर से अव्यक्त दशा में व्यक्ति आ जाता है अर्थात फिर से व्यक्ति का स्वरूप दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि केवल आत्म तत्व रहता है, उसके शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो अव्यक्त निदनानि एव, निधन हो जाने के पश्चात, मृत्यु हो जाने के पश्चात अव्यक्त, फिर से अव्यक्त स्थिति आ जाती है, फिर से अव्यक्ति होता है व्यक्ति। तो जब ऐसा विषय है तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं तत्र का परिदेवना, परिदेवना मतलब चिंता, का यानी क्या, तत्र यानी ऐसे विषय में अर्थात इस विषय में क्या चिंता, जब ऐसा है तो फिर क्या चिंता। क्योंकि मनुष्य की जो आकृति होती है उसका बिगड़ना और निराकार होना निश्चित है। जिस स्वरूप में मनुष्य होता है वह सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए मनुष्य के जीवन में ज्ञान की दृष्टि से चिंता का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। यही बात श्री कृष्ण ने अंतिम पंक्ति में यहाँ पर कही है, तत्र का परिदेवना अर्थात ऐसे विषय में क्या चिंता करना। अगला श्लोक देखते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य, आश्चर्यवत चैव च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अप्य एनम वेद न चैव कश्चित। यह जो आत्मा है, इस आत्मा को संसार में सभी लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर और अपने अपनी अनुभूति के आधार पर लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। तो सभी प्रकार की विचारधाराएं हैं आत्मा के विषय में, उनको हम इस श्लोक में देखते हैं कि कश्चित कोई एनम अर्थात इस आत्मा को आश्चर्यवत
पश्यति, अर्थात आश्चर्य के समान देखता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है। उसी प्रकार से च अन्य और कोई और तथ्य यानी उसी प्रकार से कोई और आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत इसको कोई कहता है, आश्चर्यवत च एनम अन्यः श्रुणोति, कोई और इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है। अंतिम पंक्ति देखते हैं, श्रुत्वा अपि एनम, सुनकर भी इस आत्मा को वेद न अर्थात नहीं जानता है, च एव एव यानी ही, कश्चित यानी कोई, और कोई व्यक्ति इस आत्मा को सुनकर भी नहीं जानता है अर्थात कोई व्यक्ति सुनकर भी इसे नहीं समझता है। तो शोक और चिंता को न छोड़कर अज्ञान में रत रहने के कारण आत्मा का देखना सुनना पहचानना अति दुर्लभ है, यह बात इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताई है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ कर लेते हैं, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के साथ देखता है कश्चित यानी कोई, एनम अर्थात इस आत्मा को, आश्चर्यवत वदति आश्चर्य के साथ कहता है, तथैव यानी उसी प्रकार से, च अन्य और कोई दूसरा इस आत्मा को, आश्चर्यवत च एनम अन्य श्रुणोति, और कोई अन्य इस आत्मा को आश्चर्य के साथ सुनता है। श्रुत्वा अपि एनम, सुनकर भी इस आत्मा को वेद न नहीं जानता है, चैव कश्चित और कोई इस आत्मा को सुनकर भी नहीं जानता है। तो आत्मा के विषय में इस संसार में अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, उनको यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। अगला श्लोक देखते हैं, देही नित्यम अवध्यो अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। भारत अर्थात हे अर्जुन, अयम देही यह आत्मा, सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीर में, नित्यम यानी हमेशा, अवध्यो अर्थात अमर है, मारने के योग्य नहीं है अर्थात इसको मारा नहीं जा सकता है, वध के अयोग्य है। फिर से एक बार देखते हैं इसका अन्वय के साथ अर्थ, भारत अर्थात हे अर्जुन, अयम देही यह आत्मा, सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीर में, नित्यम यानी हमेशा, अवध्यो अर्थात वध के अयोग्य अर्थात नित्य अमर है, सभी प्राणियों के शरीर में यह आत्मा हमेशा के लिए अमर है, इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सर्वाणि सभी भूतानि यानी प्राणियों के विषय में, न त्वं सोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्यों, क्योंकि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के शरीर में यह जो आत्मतत्व है, यह आत्मतत्व अजर और अमर है, यह हमेशा के लिए रहने वाला है, यह आत्मा सर्वव्यापी है। अगला श्लोक देखते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण ने आत्मतत्व की अमरता के बारे में बताया है, जबकि शरीर की नाशवान स्थिति को यहाँ पर
श्री कृष्ण ने बताया है कि जो देह होती है वह आत्मा की तरह अमर नहीं होती है, जबकि जो देही देही अर्थात जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह नित्यम अवध्यो, वह नित्य शरीर में रहने वाला अमर तत्व है।